हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो की लिंक जो ऊपर आ रही है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो देवी रही है वो रही है करणी माता, जिनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है इनका मेला। और कहाँ पर स्थित है ये इनका मंदिर? बीकानेर। बीकानेर में, ठीक है। और किस वंश की देवी है ये, मतलब कौन इनकी पूजा करते हैं? राठौड़ वंश। कुल देवी है ये। राठौड़ वंश की कुल देवी है राठौड़ वंश की, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है करणी माता की? तो ये है सफेद, चूहों की देवी लोक प्रसिद्ध है। सफेद चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है करणी माता को। इसके बाद में नेक्स्ट जो माता है वो है जीण माता। तो इनका जो है, कहां पर स्थित है ये मंदिर? इनका है सीकर में मंदिर है, ठीक है। और इसके बाद में है कि इनके वंशज है चौहान वंश की कुल देवी है ये। कुल देवी, ठीक है, चौहान वंशज की कुल देवी है। और इनका मेला जो लगता है वो चैत्र अश्विन महा शुक्ल नवमी मेला लगता है इनका, ठीक है, प्रतिवर्ष। उसके बाद में है कि इनकी विशेषता क्या है, अष्टभुजा प्रतिमा है। अष्टभुजा प्रतिमा लोक प्रसिद्ध है। अष्ट प्रतिमा मतलब इनकी जो मूर्ति है ना वो प्रसिद्ध है, किसकी? जीण माता की। उसके बाद में जो नेक्स्ट माता जी है वो है केला देवी। तो केला देवी का जो मेला लगता है वो लगता है नवरात्रा लक्खी मेला लगता है प्रतिवर्ष। और ये करौली में स्थित है इनका मंदिर, करौली, ठीक है। करौली के किस साइड पे? त्रिकुट पहाड़ी पर्वत स्थित है। और इस देवी की कुल वंशज है ये ना यादवों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है, यादव वंश, यादव वंशों द्वारा केला देवी की पूजा की जाती है, जो कि करौली में इनका स्थित है मंदिर। और इनकी विशेषता है लांगुरिया गीत प्रसिद्ध। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत, जो कि बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध रहे हैं केला देवी करौली मंदिर में, गाए जाते हैं ये गीत। इसके बाद में नेक्स्ट जो माता है वह है शीला देवी, जिनका मेला जो प्रतिवर्ष लगता है वो शुक्ल पक्ष छठ का मेला लगता है प्रतिवर्ष। तो इनका मंदिर जो है शीला देवी का वो है जयपुर। जयपुर में आमेर दुर्ग है
जहाँ पर इनका मंदिर स्थित है ना। और क्या कौन से वंशज है? कछवा। वाह है, वंश की देवी है, कछुआ वंश के लोग इनकी पूजा करते हैं, मतलब शीला देवी की। इनकी मूर्ति, इनकी विशेषता मैं आपको बताती हूँ। बहुत प्रसिद्ध विशेषता है कि संगमरमर की के काले पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। लोक प्रसिद्ध है जो कि इस माता का क्या है, संगमरमर की है ना, काले पत्थर की मूर्ति जो कि लोक प्रसिद्ध है। और 1604 में क्या होता, पश्चिम बंगाल से ये है ना जीत के आई थी, मतलब इनको ये जयपुर के जो मानसिंह है ना, मानसिंह जी जो राजा थे, वो पश्चिम बंगाल से जीत के लेके आए थे। केदार नाम से एक राजा थे पश्चिम बंगाल के, उधर से इस मूर्ति मतलब कि शीला देवी को जीत के लेके आए थे युद्ध में जब हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 1604 में, उसके बाद में नेक्स्ट है रानी सती। इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या में लगता है रानी सती का मेला। तो ये कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? इनका है झुंझुनू में, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू में इनका मंदिर है, मंदिर स्थित है रानी सती का, ठीक है। और इनकी जो पूजा करते हैं वो कछवा वंश भी करते हैं, कछवा वंश, कछवा वंश की रानी सती जो है ना, सती देवी वो है, कुल देवी है। और इनकी पूजा मतलब इनका मेन क्या है, इनका नाम जो है ना नारायणी देवी लोक प्रसिद्ध है। नारायणी देवी के नाम से ये रानी सती जो है ना वो लोक प्रसिद्ध है, क्योंकि क्या होता है, सती क्यों बनी थी, सती क्यों पड़ा इनका नाम, क्योंकि इनकी पति की मृत्यु के बाद में ही सती हो गई थी, इसलिए सती पड़ा। और दादी जी के नाम से, दादी जी देवी के नाम से भी रानी सती को जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट जो माता है शीतला माता है। तो शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी में लगता है इनका मेला, लगता है शीतला माता का। तो ये कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? यह है जयपुर में, जयपुर के चाकसू में, चाकसू में स्थित है, ठीक है। शीतला माता की खासियत क्या है वो तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें चेचक निवारण देवी, चेचक निवारण देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है, क्योंकि चेचक के जो लाल बच्चों को हो जाते हैं या फिर दी संतान जो महिलाएं होती है उनको ये देवी की पूजा करने से उनको संतान प्राप्ति होती है। और जो शीतला माता है की पूजा कब होती है, मतलब इसलिए होती है, बासोड़ा भी मनाया जाता है, ठंडा खाना खाया जाता है शीतला माता की पूजा के दौरान, प्रतिवर्ष मेला भी भरता है इसमें। तो ये हमारे पूरे राजस्थान की लोक देवता है, लोक देवी हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।